एक ही तो है, पूरक एक दूसरे के, वो समाई है कहीं मेरे ही भीतर, पर फिर भी कभी लड़ती है कभी झगड़ती है, रूठने मनाने की रस्म निभाती है मेरी परछाई। दोपहर की तपती धूप में कभी पास आती तो कभी दूर जाती है। हिंदी दिवस के अवसर पर सारण समाहरणालय सभागार में भव्य समारोह का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी श्री राजेश मीणा के साथ बड़ी संख्या में जिला स्तरीय पदाधिकारी गणों के साथ समाहरणालय के कर्मी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर पदाधिकारी गण एवं कर्मी गणों ने अपने मंतव्य व्यक्त किए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम जिला वासियों एवं सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी गणों को हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इसके लोक भाषा में इस्तेमाल करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों वाला देश है, परंतु हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। बिहार हिंदी भाषी राज्य है, यहाँ 1950 से ही राजभाषा अधिनियम लागू है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान तथा जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। और हम सभी लोग हिंदी भाषा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मैं समझता हूँ हिंदू लोगों को छोड़कर इस सभा में बैठे हुए अधिकतर लोग हिंदी भाषी बैठ के ही होंगे। तो हम सभी लोग के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जो हमारी मातृभाषा है इसको, इसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपनी तरफ से जो छोटा सा प्रयास हो सकता है उसको हम लोग निभाएंगे। निश्चित रूप से अनेकों जो काल में रहे हैं इतिहास के, उसमें हिंदी का भी उदार प्रभाव रहा है। अलग अनेकों एक भाषाओं का एक बड़ा सैनिक रूप हिंदी भाषा के रूप में रहा है, और अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बदलाव इस भाषा में हुए हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण है अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर आना, और साथ ही साथ वर्तमान में जो तकनीक आई है उसके कारण भी हम लोग अंग्रेजी भाषा की ओर झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है। और हिंदी से या फिर जो हमारी दूसरी भाषाएँ हैं क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनसे हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को सचेत रहना होगा, हम सभी लोगों को प्रयासरत रहना होगा। जो हम लोगों की हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विविधताओं में एकता की बात आती है, वो यही है कि हमारा देश अनेकों संस्कृतियों को, अनेकों भाषाओं को, अनेकों परिधर्मों को एक साथ संजो कर रखता है, और यही हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। इस पूरे परिदृश्य में जो हिंदी भाषा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करती है, एक ऐसा स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को, सभी व्यक्तियों को जोड़ती है। तो इसलिए हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए कि जो हम लोग कार्य करते हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे कार्यालयों में हो, यथासंभव हम लोग हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। और हिंदी का जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा के साथ साथ भारत में सबसे अधिक बोली या समझी जाने वाली भाषा है। मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने स्वरचित हिंदी कविता का पाठ, अपर समाहर्ता डॉक्टर गगन ने इस अवसर पर वर्तमान परिस्थिति में हिंदी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसके नैसर्गिक विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है, इसे सभी लोग बड़ी सहजता से लिखते पढ़ते और समझते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने कार्यों का निष्पादन हिंदी में ही करें। हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग ही हिंदी भाषा साहित्य के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करने की जरूरत है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, सहायक कोषागार पदाधिकारी एवं समाहरणालय कर्मी गणों के द्वारा भी अपने मंतव्य व्यक्त किए गए। मेरे ही भीतर, पर फिर भी कभी लड़ती है कभी झगड़ती है, रूठने मनाने की रस्म निभाती है मेरी परछाई। दोपहर की तपती धूप में कभी पास आती तो कभी दूर जाती है। इसी तरह दिन भर लुका छुपी का खेल खेलती, कभी स्थिर शांत, कभी चंचल तो कभी अदृश्य, अनेकों रूप धरती है
वही परछाई। इसमें जो परछाई, जो वास्तविक परछाई है वो भी है, इसके अतिरिक्त शाब्दिक अर्थ जो उसका दूसरा है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। परंतु रात की खामोशी में सन्नाटे की परत के बीच ओस की बूंदों से होकर अंधेरे में डरी सहमी सी लिपट जाती है मुझसे, खूब कस के और रात भर सीने से छिपक कर चैन से सोती है मेरे साथ मेरी परछाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जुरो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।